तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अनादि टीवी में। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सैनिकों ने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, हमें अपने जवानों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत महाशक्तिशाली बन गया है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो थे जिन्होंने हमारे देश की एक एक इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हमें उन पर गर्व है। माननीय अटल जी भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया कि भारत माता की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। भारत अब महाशक्ति है, लेकिन हम सदैव प्रणाम करते हैं अपने वीर जवानों को, थल सेना हो, नवसेना हो, वायुसेना या हमारी जल सेना हो, तीनों सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। हमें अपने जवानों पर, अपनी सेनाओं पर गर्व है।